वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों आज हम लोग ओपन करने वाले हैं नासा के कुछ सीक्रेट्स और जानने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जो नासा को अपना औकात समझा दिया था। तो चलिए देखते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक बने रहिए। दुनिया के अनसॉल्व मिस्ट्रीज में एक है एलियंस के वजूद। कहा जाता है US गवर्नमेंट और नासा ने मिलकर छुपा के रखा है ऐसे बहुत सारे राज। नासा के ये सब बेहद सीक्रेट डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाला इंसान है गैरी मैकनन, जिसने दुनिया के सबसे सिक्योर और पावरफुल कंप्यूटर्स को हैक कर दिया था, जो नासा के डेटाबेस माना जाता है। एरिया 51 से लेकर अपोलो 11 मिशन का सच्चाई तक बहुत सारे लीक्ड डेटा आज अवेलेबल है इंटरनेट में, जो सब ये गैरी मैकनन का ही देन है। 2001 में लंदन के ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत कोशिश के बाद हैक कर डाला था नासा के सिस्टम्स को। मैकनन को एलियंस और यूएफओ के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा के वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 US मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस के इंस्टॉल कर दिए और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिए थे। ये सारी चीज़ें वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे बाद में पकड़ा दिया था। मैकनन को बहुत ही जल्द दोषी का करार दिया गया, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की आंट के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहता कि उनके सिक्योरिटी कितने ख़राब है। इसके लिए उसने एक नोटिस में वेबसाइट में पोस्ट कर दी। इससे पता चलता था कि मैकनन आम लड़का नहीं था। उसने US मिलिट्रीज वाशिंगटन नेटवर्क को, जहाँ की 2000 कंप्यूटर्स मौजूद है, उसे उसने 24 घंटा के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरी इतिहास में इसने पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। मैकनन पर अपने कंप्यूटर पर डेटा, फाइल और पासवर्ड की प्रतिलिपि बनाने का भी आरोप लगाया गया था। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा की गई समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें ठीक करने की लागत $7,00,000 से भी अधिक था। मैकनन का पहली बार पुलिस ने 19 मार्च 2002 को इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के बाद अधिकारियों द्वारा उनके कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया था, लेकिन उनके लीक्ड डेटा से जो जानकारी मिला था वो हकीकत में हैरान कर देने वाला था। उनके मुताबिक एरिया 51 में होता है स्पेस वेपन बनाने का काम, वो भी एलियनों से मिलकर। एलियन स्पेसशिप का फुटेज भी उनको मिला था। ये सीक्रेट बेस स्पेस वेपन प्रोग्राम का मकसद था सोलर गार्डियंस बनाना। तत्कालीन मार्किन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ। US फ्लीट के 12 ऑफिसर्स के बारे में भी जानकारी मिला है मैकनन की डेटाबेस से, जिनको MJ-12 नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उस समय धरती को खतरा था आउटर स्पेस अटैक से, उसी चीज़ से बचाने के लिए बनाया गया था ये MJ-12 स्पेशल ऑफिसर्स फोर्स को। मैकनन का लीक्ड डेटा को जांच करने के लिए बनाया गया था एक जांच टीम मूफन। मूफन के पास दिया हुआ इंटरव्यू के मुताबिक मैकनन खुद कहते हैं, For inviting me here, and thanks very much to MUFON for putting on such an auspicious event. It'd be nice to actually be there and hear everyone else. Jan did kindly give me a login for MUFON TV, but somewhat ironically, the username and password I couldn't get in using that. So I wasn't able to hear anyone who's spoken yet today, but I'll listen to it later or tomorrow. In March of 2002, I was arrested for hacking into Army, Navy and Air Force computers, as well as the Pentagon and NASA.
The arresting officers from the National High-Tech Crime Unit, which is now part of SOCA, the Serious Organized Crime Agency, told me that I'd probably do 6 months community service. This turned out to be a highly inaccurate prediction. My arresting officers went to Washington and met with some top brass to discuss my case and also to illegally hand over my hard drive to US authorities, which they're still in possession of. The police officers were obviously very impressed by the military officers they'd met because when they returned from Washington and interviewed me for the second time, they had a very serious tone about them. It was a very different ballgame by then. The second interview was in the summer of 2002, in August, I think. And in November of the same year, the US authorities announced that they intended to extradite me to stand trial in America. And that on paper, at least, I was facing 70 years in jail, which was a far cry from 6 months community service. So that was very shocking. At the time they announced their intention to extradite, the extradition treaty between the UK and the US required that evidence be produced that strongly supported the allegations before a UK citizen could be taken to the US. US citizens were protected by the Constitution, and strong evidence was also required to extradite them. Unfortunately for me, my case, amongst others, it was at a time when hacking was a big problem, and my case and others had catalyzed the US and the UK into arranging an entirely new extradition treaty, one where supporting evidence was no longer required to extradite a UK citizen to the US, but you guys were still protected by the Constitution, and this necessary... मैकनन के जानकारी के मुताबिक सिर्फ यही नहीं, अपोलो 11 मिशन जिसमें चांद पर मनुष्य का पहला लैंडिंग हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारा डेटा छुपा गया है नासा के द्वारा। मून लैंडिंग से पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा एलियंस की मौजूदगी की जानकारी भी दिया गया था, लेकिन नासा ने वो न्यूज़ लीक आउट होने ही नहीं दिया। ये भी कहा जाता है कि मून लैंडिंग के जो फुटेज दुनिया को दिखाया गया है वो असल में एक फिल्म शूट है। असली फुटेज कोई अनजान वजह से नासा कभी पब्लिश ही नहीं किया, लेकिन मैकनन को मिला था कुछ वॉइस क्लिप जिससे ये साबित होता है। दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।